दोस्तों नमस्कार, सभी बर्गर भाई फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वैदिक पंचगव पर। दोस्तों आज तारीख है 7 अक्टूबर 2020 और दिन बुधवार का है और मैं आपके लिए लेके आऊं एक और शानदार वीडियो जिसमें आप देख पाएंगे बहुत सारी हीफर्स हैं, बछड़ियां हैं, ये राठी और प्योर साहिवाल नस्ल की हीफर्स हैं। बहुत सारे भाइयों की डिमांड आ रही थी कि हमारे को बछड़ियां लेनी है। ये जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की बछड़ियां हैं और एक से एक बेहतरीन बढ़िया बछड़ियां और अच्छे अच्छे दूध वाली है। चलिए ये जो फार्मर है जिन भाइयों की ये गाय है और उनसे थोड़ा सा परिचय करा देते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब आपका नाम क्या है? चेनाराम। चेनाराम जी, चेनाराम जी आप कितने साल से गाय का पालन कर रहे हैं? हमारा दादो परदादो का बहुत पीढ़ियों से कर रहे हैं। मतलब इनका एक खानदानी पैसा है और कोई नौकरी पैसा नहीं करते। मैंने इनके घर पे जाके देखा है कि इनके जितने भी 3-4 भाई हैं सारे यही गोपालन ही करते हैं और इनके पास में जो जितने भी बड़े बड़े आज धुरंधर हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि जो इस फील्ड के मास्टर जैसे स्वामी चिन्मानंद जी, कि इतने बड़े बड़े संत आदमी भी इनके पास में आते हैं और गाय लेके जाते रहे हैं। नंबर है हमारे पास, फोन आता रहता है। जी जी ठीक है। और उसके अलावा एक और भाई, भाजी नाम क्या अपना? अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी आप भी सालों साल हम गोपालन नहीं करते, पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ साहिवाल नस्ल की गाय और बाकी जो हमारी अमेरिकन गाय है, एचएफ जर्सी जो विदेशी नस्ल है, उसके दूध में आपको क्या फर्क लगा है? सारा ही जी, इसमें घी की और क्वालिटी दूध की बहुत बढ़िया दूध है। इसको भैंस के मुकाबले दूध है इनका, मतलब गाढ़ा दूध है। गाढ़ा दूध है और पीने में मीठा में बहुत बढ़िया, तंदुरुस्ती बहुत है इसमें दूध में। अच्छा मैंने एक चीज देखी कि इनके घर पे कोई भी एचएफ जर्सी गाय नहीं है, सारे के सारे इन्होंने साहिवाल नस्ल की गाय रखी हुई है और स्पेशली ये ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। जो आपके पास जो बुल है वो बुल आप कहाँ से लाए थे? नूरमहल से, जलंधर से। नूरमहल स्वामी चिन्मानंद जी से लाए थे। हाँ जी। और बुल बहुत ही शानदार क्वालिटी का है, मैंने उस बुल की बछड़ियां भी देखी हैं। हालांकि बुल अभी यंग जवान बुल है तो उसकी ज्यादा अभी उसकी बछड़ियां ज्यादा दूध में नहीं आई हैं, थोड़ी छोटी छोटी बछड़ियां हैं, कुछ 6 महीने की, 2 महीने, साल भर की बछड़ियां हैं। और लेकिन आने वाले दिनों में इसकी जो बछड़ियां है ना वो एक अच्छा नाम कमाएंगी आपका। बहुत बढ़िया। आपके पास टोटल कितनी गाय हैं? हमारे पास है जी 300-350 गाय। 300-350 गाय हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें से और जो बछड़ियां वो कितनी है? बछड़ियां जी इसमें 150 बछड़ियां हैं। 150 बछड़ी। ये इसमें से ज्ञापन कितनी है? लगभग ज्ञापन होगी कम से कम जी 100 बछड़ियां होगी। 100 बछड़ियां हैं ज्ञापन। कितने कितने महीने की? ये 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना, वैसे 3 महीना से लेकर 5 महीना तक ज्ञापन है। ठीक है ठीक है, आइए चले और देखते हैं अपनी कोई जो अच्छे दूध वाली गाय है आपके पास में। हाँ जी। वो लगभग कितना उन्होंने अपनी मतलब फुल कैपेसिटी पे कितना दूध दिया है? दूध दिया जी 22 लीटर। 22 लीटर दो टाइम का। अभी आपके पास गाय है या आपने बेच दी? अभी गाय बेच दी उनकी है, 10-10 लीटर वाली है। कोई मान लो ज्यादा नहीं है, कोई 2-4 गाय, 5 गाय, 10 वाली दूध वाली है और ज्यादा 8-7 लीटर आम गाय के टाइम का। ठीक है। ये एक बछड़ी में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की साहिवाल, आप गलकम्बल देख सकते हैं इसका और स्पेशली इसके थनों का आप साइज देखिए, बहुत ही बढ़िया, कम से कम 2-2 इंच के इसके थन है अभी से छोटी सी के और बहुत बढ़िया क्वालिटी की। ये एक और बछड़ी है, ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल शान से भाव की है। देखो ये दोस्तों, ये आप देख पाएंगे कि बहुत सारी इनकी बछड़ियां अच्छी हैं। और दिखाइए एक आध कोई और टॉप क्वालिटी की बछड़ी मेरे को दिखाइए, जो आपको लगता है कि यार ये बछड़ी इससे बढ़िया किसी के पास बछड़ी नहीं है। दोस्तों इन भाई साहब के पास में ना दूध वाली गाय है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये दूध वाली गाय है। इनकी भी एक अलग से मैं एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ स्पेशली हीफर्स जो बछड़ियां हैं उन बछड़ों की मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ये आप देख सकते हैं इनके पास में बछड़ियां बहुत हैं, काफी अच्छी अच्छी क्वालिटी की बछड़ियां हैं। राठी इसमें काफी हैं, राठी साहिवाल, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस पे ब्रीडिंग पे। इनके पास में अभी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इन्होंने अपना बुल रखा हुआ है। दिखाओ दिखाओ, प्योर साहिवाल है। गारंटी लेता हूँ 20 लीटर इसकी, सोने के बाद 20 लीटर की गारंटी लेता हूँ इनकी।
हाँ जी बताइए। 20 लीटर की ग्राइंड लेता हूँ इस बच्ची की। इस बछड़ी की? हाँ, इस बछड़ी की। क्या खासियत है इस बछड़ी में? खासियत इसकी इसकी माँ के बहुत दूध अच्छा है। अच्छा। ये हमारे पीढ़ियों से बहुत पुरानी पीढ़ी से चल रही है ये गाय ना। अच्छा। इनके बच्चों के दूध होता ही होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो उसके थन है, थन बहुत ही बढ़िया खुले थन है, चारों थन है, पांचवा कोई थन नहीं है, चार ही थन है और करीब 1.5 से 2 इंच के इसके अभी से थन है और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। आप देखेंगे वो जो देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो नाभी आप देख पाएंगे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की नाभी है। मैं हाथ घुमाओ यार इस पे जी जी, देखिए बहुत अच्छी है ये। ऊपर हालांकि थोड़ा सा गोबर लगा हुआ है लेकिन बहुत ही बढ़िया अच्छी क्वालिटी की। तो इस तरह की क्वालिटी वाली बछड़ियां भाई साहब के पास मिल जाएंगी। इसकी माँ तो बिल्कुल काली कपिला मैंने देखी है। ये बच्ची तो मेरे को पसंद आ रही है बहुत बढ़िया। इसकी माँ भी मेरे को पसंद है, काफी अच्छी बछड़ी बनेगी अभी। ये आप देख सकते हैं एक और बहुत ही अच्छी अच्छी बछड़ियां हैं इनके पास में। ये देखिए, हाथ घुमाओ उस पे भाई, हाथ घुमाओ। ये अनिल भाई नाम है, ये अनिल भाई की गाय बछड़ी। आप देख सकते हैं गलकंबल देखिए इसका, देखिए झालर देखिए बहुत ही बढ़िया, हम्प कलर नेल फ्लैप शान स्वभाव बॉडी स्ट्रक्चर। कितनी उम्र होगी इसकी भाई? 1.5 साल। 1.5 साल की बछड़ी है, अच्छे दूध वाली ब्रेडलाइन की है। इसकी माँ का दूध कितना? 18 लीटर दूध, बहुत बढ़िया। और देखिए दोस्तों, और मैं आपको 1500 सही है। ये देखिए, ये गदरी भी है इनके पास में, हालांकि इनके पास में अभी गदरी राठी बहुत कम बची हैं क्योंकि अभी इन्होंने साहिवाल पे फोकस किया, इन्होंने साहिवाल ब्रीड पे बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि वो एक बछड़ी जा रही है वो भी राठी गदरी है, उसके गले में इतनी बड़ी घंटी किस लिए बांध रखी है? घंटी इसलिए बांध रखी है जी, इसको पता लग जाता है ये लंबरदार नहीं है। अच्छा। ये आगे चलती है सबसे, ठीक है, तो इनसे पता लग जाता है हमारी गाय वहाँ फिर रही है, चल रही है तो पता लग जाता है। ये आगे जाएगी, ये आगे जाएगी सबसे। अच्छा सबसे आगे ये रहती है। अच्छा ये जैसे निकालनी हो थोड़ी जगह के बीच में से, उसको एक को ले जाएंगे तो उसके पीछे आ जाएगी सब। जैसे इसको जैसे एक मैं मेरी भाषा में बोले तो इनको मैं बोलता हूँ कि ये रानी गाय है, ये बाकी सब इसकी प्रजा है, ये रानी गाय है और सब इसके पीछे पीछे इसका और इसी का काम मानती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा आपके पास में जैसे मैं देख पा रहा हूँ जो इन गायों के जो बछड़े हैं, बछड़ों का बछड़े भी आप सेल करते हैं? जी बछड़े हैं, बछड़े कम से कम 15-20 बछड़े इसके अंदर ही है। अच्छी गाय है, गौशाला में करा देते हैं सर, ये बाद में जो बिल्डिंग गाय है ना क्रॉस कराते हैं जब खराब हो जाती है, कौन सा माने कोई, सभी गाय एक सी नहीं होती है ना। सही है सही है। तो बुल आप एक ही रखते हो? हाँ एक ही बुल, वही बुल रखते है ना, जब बुल हमारी गाय का नहीं रखते हैं तो बाहर से लाते हो? बाहर से रखते हैं कि उसकी बहन हो जाती है, माँ हो जाती है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपका अभी दूध का फिलहाल क्या रेट चल रहा है यहाँ का? दूध का जी 34-35 रुपए लीटर दूध का चल रहा है। तो घी आप सेल करते हो? घी सेल करते हैं जी। और दूध भी सेल करते हो? ठीक है। और घी का क्या प्राइस चलता है? 700 रुपए लीटर। ठीक है, किलो के हिसाब देते हो? बाहर तो लेते हैं लोग, वो कहते हैं आप 1000 रुपए दोगे तो भी कम है, तो हम तो 700 रुपए देते हैं जी। ठीक है, 1000 रुपए देते हैं आगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमारा घी दिल्ली से, दिल्ली का हर बार एरिया में जाता है, यूपी तक जाता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इनके पास में अभी फिलहाल जैसे जैसे ये जैसे अभी ग्वार के खेत खाली हो रहे हैं और यहाँ पे जो बेल बूटे जितने भी जो हरा चारा है, घास फूस है, वो ये खा रही है। जैसा कि आप देख पाएंगे जो ग्वार की फसल में जो अवशेष बच जाते हैं वो भी चराते हैं, जिससे कि इनकी गायें हर तरह की जड़ी बूटी खा के हष्ट पुष्ट रहती है और जो दूध है दूध की क्वालिटी भी बहुत बहुत अच्छी बनी रहती है। सियाल कितनी भी ठंड पड़े तो हमारी गाय बाहर रहती है जी। भाई ये इनका कहना है चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी बरसात हो, तीनों मौसमों में इनकी गायें पूरी बिल्कुल एकदम बाहर ही रहती है, खुले मौसम में रहती है और किसी तरह के कोई ठंड नहीं मानती ना कोई गर्मी मानती है। ये अपनी जो हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय है उसके अंदर एक यही खासियत है। आप देखेंगे कि ये जो गदरी है, आप ये देखिए इनके पास में कुछ एक आध ऐसी कुछ मक्खी चीनी गदरी भी इनके पास में कुछ बची हुई है, ज्यादा तो है नहीं लेकिन बहुत ही जितनी भी बची हुई है वो इसलिए बची हुई है क्योंकि ये जैसे इसकी जो माँ है ना उसका भी ऐसा ही कलर रहा है और अपने ऊपर कई बार कुछ गाय बच्चे लेकर आती हैं
लेकिन अब इनके पास ना बुल नहीं है राठी के दरे। भाई भाई मैं देखो इधर आओ, ये जो नस्ल है ना ये भी हमारी अपनी खुद की अपनी यहीं की नस्ल है, लेकिन बोलते हैं इनको। हाँ, लेकिन अब चौलिस्तानी ब्रीड थी, लेकिन अब आपने वो खत्म कर दी है। ये देखिए, ये एक और गाय है राठी गदरी। जैसे ये अब इनके पास मैं देख रहा हूँ कि मुश्किल से दो चार ही गायें बची हुई हैं। चार बच्चे हैं। क्यों आप लोगों ने ना ये इस तरह के इस रंग के बुल नहीं रखे? नहीं रखे भाई। अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हो ना, और जो आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ध्यान इस चीज का दो। हाँ? जो इस कलर की गदरी है, अच्छा जी, उसी रंग के डट्टे तैयार करो, सांड तैयार करो सेम उसी रंग के। अच्छा अच्छा। और उसको उसी नस्ल से क्रॉस कराओ। पहले बाबू जी ये बोलते थे कि ये साहिवाल लाल गाय लेनी है, लाल गाय तो में ज्यादा जोर हो गया। उसके लिए अलग से सांड रखो साहिवाल के, साहिवाल की गाय अलग रखो। अच्छा, जब क्रॉसिंग के टाइम पे ना ये चीज ध्यान दिया रहो कि जो जिस नस्ल की गाय है उसी नस्ल के सांड से आप उसको क्रॉस कराओ। अच्छा जी, अच्छा। ठीक है जी। बाकी अभी धीरे धीरे लोगों का रुझान हो रहा है। अच्छा, इनके जैसे अभी धीरे धीरे जो ना गाँव में मैं देख पा रहा हूँ कि लोग एचएफ जर्सी को रख रहे हैं कुछ गांव में। मुन्नीराम की गाय है ये मुन्नीराम। अच्छा। दूध वाली है सभी। ठीक है ठीक है। चलिए, ये दूध वाली के लिए एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। और फिलहाल ये बछड़ियां आप देख सकते हैं दोस्तों, बछड़ियां इनके पास में बहुत हैं। करीब करीब कितनी बछड़ियां होंगी सारी अपने टोटल? सारी है जी 150। 150 है अभी इनके पास बछड़ी? 150 है। ठीक है, तो बछड़ियां इनके पास में बहुत हैं। तो जो भी भाई बछड़ियां खरीदने का इंटरेस्टेड हो, ऊपर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस नंबर से संपर्क कर लें। ये नंबर मेरा है, और क्योंकि इन भाई साहब का मैंने इसलिए नंबर नहीं दिया क्योंकि एक तो इनको ट्रांसपोर्ट की नॉलेज नहीं है कि भाई कभी कोई चेन्नई से फोन करता है, कोई तमिलनाडु से, कोई हैदराबाद से, कोई कहीं से, पूरे भारत से फोन आते हैं मेरे पास में। तो वो ट्रांसपोर्ट सबसे पहले ट्रांसपोर्ट पूछते हैं जी भाड़ा कितना लगेगा। लेकिन इन भाई साहब की ये बिल्कुल सिंपल, ये साधारण किसान भाई हैं, और इनके पास में ना तो ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है ज्यादा। ये लोकल में तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब किसी को कोई बाहर भेजनी हो अदर स्टेट में, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, परमिशन चाहिए, बहुत सारे झमेले होते हैं। तो इसलिए उस चीज की फैसिलिटी ये भाई मैंने खुद ने प्रोवाइड करा रखी है कि अगर आपको अच्छी गायें लेनी है तो मैं गायें फार्मर से दिला दूंगा। और उसका एक जो प्रोसीजर रहेगा वो ये कि ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें, वीडियो नंबर मैंने इसमें डाली हुई है, तो वीडियो नंबर के साथ में मुझे कॉल करें और व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप भी नंबर है। और इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने और भी बनाता रहूंगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की गाय है, ये आप देख सकते हैं। कम हाइट वाली भी स्पेशली कई बंदे मांगते हैं कि हमारे को थोड़ी कम हाइट की चाहिए, कोई ज्यादा हाइट की मांगता है। तो इनके पास में गायें बहुत हैं, बहुत सारी गायें हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप देसी गोपालन की तरफ आपका रुझान है और आप को डेयरी फार्म करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की गायें इनके पास और भी मिल जाएंगी। और मेरे पास इस तरह के फार्मर बहुत सारे कॉन्टेक्ट में हैं, जिस तरह ये चेनाराम भाई हैं, इस तरह के फार्मर बहुत सारे हैं जो सिर्फ स्पेशल राठी और साहिवाल गायें ही पालते आए हैं। तो उनसे संपर्क मेरा रहता है, तो लगातार मेरे पास बहुत सारे भाई आते रहते हैं दूर दूर से, और उनको मैं ये गायें देसी गायें अवेलेबल कराता रहता हूँ, साथ में ट्रांसपोर्ट भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आप काम करना चाह रहे हैं, ये देखिए ये बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। ये मेरे पास भी इस तरह की है, ये मेरे फार्म पे इस तरह की बहुत सारी हैं, मैं सेल ही करता हूँ इस तरह की, मैं अपने लिए रखता हूँ। इंग्लैंड पे ब्रीडिंग मेरे पास इसी तरह का बुल भी है, सेम गदरी मक्खी चीना बुल है, प्योर मक्खी चीना, प्योर चौलिस्तानी ब्रीड। ऐसी बहुत सारी नस्ल मेरे पास में है गायें, एक से एक जिनकी माओ का 20-20 लीटर दूध है, और आगे और भी बच्चे तैयार कर रहे हैं उनसे, ताकि कुछ साल बाद फिर और किसान भाइयों को मैं हम वो नस्लें दे सकें जो लुप्त हो गई हैं। तो मेरे भाइयों, ये आप देख सकते हैं इनके पास में बहुत सारी गोवंश हैं और सुंदर सुंदर गाय माताएं हैं, बछड़ियां बहुत सारी हैं। तो जो भी लेना चाह रहे हैं वो संपर्क कर लें। और जो रेट होते हैं, रेट एक बछड़ी का अलग रेट लगता है, 10 बछड़ी का अलग रेट लगता है, 50 बछड़े एक साथ लेनी उसका अलग रेट रहते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबको दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ में जय गो माता, जय भारत।